भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल से शुरू होने जा रही T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया पूरे तरीके से तैयार है। टीम इंडिया अब एक नए युग की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें नया कप्तान और नया कोच काफी बड़ी भूमिका निभाएंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम कल पहले T20 मुकाबले में जयपुर में उतरेगी। ऐसे में प्लेइंग 11 पर हर किसी की नजर है कि भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि इस टीम में विराट कोहली तो है नहीं। अब अगर ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो रोहित शर्मा और केएल राहुल पारी की शुरुआत करेंगे, ये बात तय है। नंबर तीन की बात की जाए तो नंबर तीन पर यहाँ पर सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। चार नंबर की बात की जाए तो चार नंबर पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सकता है। पांच नंबर पर ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। छह नंबर की बात की जाए तो छह नंबर पर हार्दिक पांड्या की जगह युवा ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को मौका दिया जा सकता है। सात नंबर की बात की जाए तो सात नंबर पर दीपक चहर खेलते नजर आएंगे। आठ नंबर की बात की जाए तो आठ नंबर पर रविचंद्रन अश्विन, नौ नंबर पर अक्षर पटेल को मौका दिया जा सकता है। दस नंबर की बात की जाए तो हर्षल पटेल, जिन्होंने आईपीएल में धमाल मचाया था, वो खेलते नजर आएंगे। और ग्यारह नंबर पर मोहम्मद सिराज या भुवनेश्वर कुमार में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। इस मुकाबले की यदि बात की जाए तो इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया पूरे तरीके से तैयार है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज़्यादा बदलाव यहाँ पर करती नजर नहीं आएगी। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ ज़बरदस्त बदले के हिसाब से उतरती है। एक बात तो तय है कि यहाँ पर रोहित की इस सेना में ऑलराउंडर्स की भरमार रहेगी। रोहित को वो खिलाड़ी चाहिए जो भारतीय टीम को आगे लेकर जाएं और गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से सामने वाली टीम पर करारा प्रहार कर सकें। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।